रामगढ़ताड़ थाने की पुलिस ने हत्या के प्रयास के आरोप में पुलिस मुठभेड़ में एक घायल अभियुक्त सहित एक अन्य अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर चार अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान आकाश कुमार पुत्र जिया लाल निवासी बड़हरिया सज्जरपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़, दूसरा रितेश कुमार पुत्र राकेश शुक्ला निवासी मोड़वाडी थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर सहित दो अपराधी को पुलिस अभिरक्षा में लिया गया है। एसएसपी ने बताया कि शशि मौली शुक्ल पुत्र बेनी माधव शुक्ल निवासी कनाइल थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर के रहने वाले हैं, जो कजाकपुर थाना क्षेत्र रामगढ़ताल में अपने मकान का निर्माण करा रहे थे। 29 मार्च को पूर्व की रंजिश में अर्पित शुक्ल पुत्र सत्यशील शुक्ला निवासी कनाइल थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर अपने 3 साथियों के साथ आए और शशि मौली शुक्ल के ऊपर फायर कर दिया, जिसमें 4 गोली शशि मौली शुक्ला को लगी। इस संबंध में थाना रामगढ़ताल पर पंजीकृत हुआ था, जिसमें विवेचना की जा रही है। विवेचना में निम्न बातें प्रकाश में आई कि अर्पित उर्फ अमन शुक्ला के दादा श्री प्रकाश शुक्ला की हत्या 1995 में हुई थी, जिसमें शशि मौली शुक्ला मुलजिम बने थे और जेल गए थे। अर्पित शुक्ला जब बड़ा हुआ तो अपने दादा की हत्या का बदला लेने के लिए अपने गाँव के नाबालिग लड़के व उसने अपने बुआ के लड़के जो बाल अपराधी है आजमगढ़ का रहने वाला है उसमें वार्ता किया और वो काम के लिए अपने साथ आकाश कुमार पुत्र जियालाल निवासी बड़हरिया संजरपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ को लेकर 29 मार्च को ग्राम कनैल आया, जहां पूर्व अर्पित शुक्ला तथा गांव के लड़के एवं आजमगढ़ के दोनों लड़के मिले। वहां से अर्पित अपने दोनों आजमगढ़ के साथियों के साथ गोरखपुर आया, जहां उसका साथी मंटू उर्फ देवेश द्विवेदी पुत्र प्रेम नारायण निवासी कजाकपुर न्यू कॉलोनी थाना रामगढ़ताल जनपद गोरखपुर में मिला। चारों लड़कों के पास असलहा था। ये लोग शशि मौली शुक्ला की गाड़ी जहां खड़ी थी वहां शशि मौली शुक्ला के आने का इंतजार करने लगे। कुछ ही समय बाद शशि मौली शुक्ला पानी लेने के लिए गाड़ी के पास आए, जहां पर सभी चारों लोग उन पर फायर किए, जिसमें शशि मौली शुक्ला को कल 4 गोली लगी। उसके बाद चारों लड़के वहां से भाग गए। शशि मौली शुक्ला को दवा इलाज हेतु सदर अस्पताल भेजा गया। भागते समय अर्पित शुक्ला अपनी मोटरसाइकिल से आजमगढ़ के दोनों लड़कों के साथ लेकर निकल गया एवं बेलीपार थाना के ग्राम अडवाडी रितेश शुक्ला पुत्र राकेश शुक्ला थाना बेलीपार जो पूर्व का साथी है उसके घर पर आया एवं वहां से आजमगढ़ के लड़कों को अपनी मोटरसाइकिल दे दिया एवं वहां से रितेश शुक्ला के साथ टेटा गाड़ी रितेश की है उससे निकल गए एवं मोटरसाइकिल से दोनों लड़के निकल गए। देवेश उर्फ मंटू अपनी गाड़ी से वहां से फरार हो गया। एसएसपी ने बताया कि 2 अप्रैल को सुबह मुखबिर की सूचना पर पुलिस चेकिंग के दौरान अर्पित शुक्ला व आकाश कुमार जो अपने रुकने के ठिकाने पर जा रहे थे पुलिस द्वारा रामपुर हनुमान मंदिर तिराहा रोकने का प्रयास किया। उसी दौरान अपराधियों द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास किया गया, जिसमें पुलिस मुठभेड़ के दौरान चिड़ियाघर के पास अभियुक्त आकाश कुमार को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त का दवा इलाज बीआरडी मेडिकल कॉलेज में चल रहा है, जिसके पास से 1 मोटरसाइकिल 2 पिस्टल 2 जिंदा कारतूस तथा 4 खोखा कारतूस बरामद किया गया है। अर्पित शुक्ला रात्रि का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। इसी क्रम में थाना रामगढ़ताल पुलिस द्वारा घटना में फायरिंग करने वाले बाल अपचारी और घटना का षड्यंत्र करने वाले बाल अपचारी जो पूरे घटना कराने का शूटर आजमगढ़ से बुलाया था, जिसके बुआ का लड़का आजमगढ़ से आया था और घटना के बाद अर्पित को भगाने का सहयोग करने वाला अभियुक्त रितेश पुत्र राकेश शुक्ला निवासी मुंडवाड़ी थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया है एवं आजमगढ़ के बाल अपचारी को इस घटना में सम्मिलित था। इस प्रकार घटना करने वाले दोनों अभियुक्तों को आजमगढ़ के थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया और घटना की योजना बनाने तथा घटना के बाद अभियुक्त गणों को भागने में सहयोग करने वाला रितेश शुक्ला को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशि भूषण राय, वरिष्ठ उप निरीक्षक कमलेश प्रताप सिंह, उप निरीक्षक गोपाल यादव, अभय नारायण सिंह, अभिषेक राय, शैलेंद्र प्रताप सिंह, हेड कांस्टेबल कायम अली, सरजीत यादव, मिथिलेश बहादुर, कांस्टेबल दीपक यादव, कृष्ण कुमार यादव, दीपक कुमार, प्रवीण कुमार, दीपक यादव, धनंजय कुमार, प्रवीण कुमार यादव शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने कहा, देखिए जनपद गोरखपुर के थाना रामगढ़ताल क्षेत्र में 29 तारीख को शशि मौली शुक्ला निवासी थाना बेलीपार ग्राम कनैल उनके ऊपर एक प्राण घातक हमला किया गया था, जिसमें कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा जब वो अपने निर्माणाधीन घर से बाहर निकल रहे थे उनके ऊपर फायरिंग की गई थी, जिसमें कि उनको 4 बुलेट इंजरी आई थी। तत्काल उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, वो उपचाराधीन है, उनकी स्थिति सामान्य बनी हुई है। उल्लेखनीय है कि संबंधित मजरूब जो हैं ये थाना बेलीपार के हिस्ट्री शीटर हैं और पूर्व में ग्राम प्रधान भी रहे हैं। इस घटना के संबंध में उनके द्वारा धारा 307 का एक मुकदमा थाना रामगढ़ताल में पंजीकृत किया गया, जिसमें एक अर्पित शुक्ला नाम के व्यक्ति जो कि उसी के गाँव के रहने वाले हैं उसको नामजद किया गया। इस घटना के संबंध में पुलिस की एक विशेष टीम एसपी सिटी साहब, सीओ कैंट, एसएचओ कैंट और
स्वॉट सर्विलांस की सभी टीमों को इस गंभीर घटना के लिए लगाया गया। इस घटना का सफल अनावरण कर लिया गया है। इस घटना में संलिप्त रहे एक व्यक्ति आकाश, जिसको कि कल रात मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया, इनके एक अन्य साथी रितेश, उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। और इसके साथ साथ दो बाल अपचारी जो इस घटना में कार्यरत करने में और इस घटना की प्लानिंग में सम्मिलित रहे, उनको भी अभिरक्षा में लिया गया है। इसके अतिरिक्त अभी इस घटना को कार्यरत करने वाले दो मुख्य अभियुक्त अर्पित और देवेश वांछित हैं, जिनके ऊपर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया है। इस घटना की पृष्ठभूमि ये है कि जो जिनको की गोली मारी गई है, क्योंकि वो हिस्ट्री शीटर रहे हैं और उनके द्वारा 1995 में नामजद अभियुक्त अर्पित के बाबा की हत्या की गई थी, जिसमें वो जेल गए थे। और इससे पहले कई साल पूर्व अर्पित पक्ष के व्यक्तियों द्वारा इन हिस्ट्री शीटर या मजरूब के पिताजी की या उनके भी किसी बुजुर्ग की भी वहाँ पे हत्या हुई थी। तो हत्याओं की जो पृष्ठभूमि उस थाने उस गांव की है, वही इस घटना की भी पृष्ठभूमि है। अर्पित द्वारा अपने बाबा की हत्या का बदला लेने के लिए इस घटना को कारित करने की योजना बनाई गई। यंग लड़कों को अपने गैंग में शामिल करके उनको हथियार मुहैया कराए गए और इस घटना को कारित करने के लिए 29 तारीख को ये लोग बेलीपार से चल करके घटनास्थल पर आए और आकर के इनके द्वारा मजरूब के ऊपर फायरिंग किया गया। इस घटना में जो कारित करने में यूज़ हुई जो मोटरसाइकिल है, वो बरामद कर ली गई है। इसके अतिरिक्त दो पिस्टल जो कि घटना में यूज़ हुई हैं, वो भी बरामद हुई हैं। एम्युनिशन भी इसमें बरामद हुआ है। जो वांछित अभियुक्त अर्पित है, इसके ऊपर 25,000 का इनाम घोषित किया गया है। जल्दी इसको अरेस्ट किया जाएगा। इस गैंग के अन्य मेंबर्स जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से वेपन्स का आदान प्रदान या गैंग मेंबर्स को जोड़ने के लिए जो चल रहा था, उसके लिए एक अलग जांच टीम बनाई गई है। इस गैंग मेंबर्स को चिन्हित किया जा रहा है। इन सब के ऊपर बहुत कठोर कार्रवाई आने वाले दिनों में की जाएगी। गैंगस्टर और 14A की कार्रवाई के साथ साथ गैंग पंजीकरण की भी कार्रवाई इनके ऊपर की जाएगी। सर, असलाह कहां से लाएंगे? देखिए, ये इसमें जो नामजद अभियुक्त अर्पित है, इसके द्वारा, क्योंकि ये घटना की पूरी साजिश रची गई थी, इसके द्वारा ही असलह सबको प्रोवाइड किया गया था। जैसे ही वो अरेस्ट होगा तो असलह कहाँ से लिए गए हैं, वो भी चीज़ सामने निकल करके आ जाएगी। देखिए, जो इसमें नामजद अभियुक्त अर्पित है, उसके ऊपर पहले के भी मुकदमे हैं। इसके अलावा इसके द्वारा यंग लड़कों को, जैसे कि मैंने बताया कि दो बाल अपचारी भी इस घटना में शामिल थे, उनको भी हिरासत में लिया गया है। इसके अलावा आजमगढ़ से भी इसके द्वारा अपने कॉन्टैक्ट्स के माध्यम से बुलाया गया था, जो कि मुठभेड़ में अरेस्ट हुए हैं। तो एक गैंग के रूप में इसके द्वारा बनाया जा रहा था, जिसके कि मेंबर्स यहां पर अरेस्ट हुए। देखिए, अभी इसमें अर्पित की गिरफ्तारी होना शेष है। उसकी गिरफ्तारी होने के बाद इस घटना से संबंधित और भी कई तथ्य और बातें प्रकाश में आएंगी, जिसको कि आने वाले दिनों में आपसे शेयर किया जाएगा।